तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी के मतलब अनबॉक्सिंग और इसको पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में आज टोटली जानेंगे और देखेंगे कि क्या होता है ग्रीन टी पीने से, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स में यूज़ होते हैं और इसको पीने के क्या फ़ायदे हैं, क्या ग्रीन टी पीने से हम पतले हो सकते हैं। चलिए आज इसको ओपन करते हैं। मैंने ग्रीन टी परचेज़ की है अमेजोन से और मैंने ग्रीन टी के पैक्स बनाए तुलसी नेचुरल, जिसमें 25 टी बैग्स उपलब्ध हैं। तो अपन इसको खोल कर देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए इसको करते हैं ऊपर। आप इसको देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार आई है। और ये मैंने अमेजोन से परचेज़ की है, जो कि मुझे कुछ मतलब इसका एक टी बैग पड़ा है 5 रुपये 23, मतलब कि कुछ अप्रोक्स इतने प्राइस का पड़ा है। और इस पूरा बॉक्स इसमें 25 टी बैग्स हैं, जो कि मुझे पूरा 170 रुपये का पड़ा है। तो अपन इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या निकलता है और इसको पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी अपन आगे जानेंगे। पहले इसको अपन ओपन कर लेते हैं, ग्रीन टी कैसी है एंड इसमें कैसे टी बैग्स हैं। चलिए तो करते हैं ओपन इस टी बैग्स को, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। फर्स्ट एंड फॉल बॉक्स है एंड ये रहे हमारे टी बैग्स, जो कि कुछ इस प्रकार से निकले हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये टी बैग्स इसमें निकले हैं पूरे, जो कि पूरे 25 हैं, कुछ इसमें डले हैं बाकी अभी। चलिए तो अपन देखते हैं। ये मैंने मंगाई है तुलसी नेचुरा, ये फ्लेवर है इसका, इसमें मतलब अनफ्लेवर्ड आती है ज़्यादातर, तो इसको पीने के बहुत से फ़ायदे होंगे। तो इसको अपन ओपन करेंगे, इस टी बैग्स में क्या है, इसके पीछे दिया हुआ है इसको कैसे लेना है आप देखिए। तो इसको लेने के लिए आपको एक मतलब कि गिलास में आप हाफ गिलास वो ले लें पानी, जो कि बॉयल हो, उस बॉयल पानी में इसमें टी बैग से जो उसको बॉयल करके 2 मिनट तक डिप करके रखें। और जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट होते हैं उसके बाद टी बैग्स को आप निकाल के डिस्पोज कर दें, मतलब कचरे में फेंक दें। उसके बाद आपकी ग्रीन टी रेडी हो जाएगी। अगर आप इसको मतलब कि उसके हिसाब से पीना चाहते हैं वेट लॉस के हिसाब से, तो आप इसे सिर्फ बॉयल पानी में ही पिए, अन्यथा मतलब इसके टेस्ट के लिए आप इसमें शहद का भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। चलिए अपन इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। चलिए करते हैं तो इसको ओपन। चलो तो फिर इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया, इसके अंदर हमें एक बैग मिला है जिसमें एक लिप्टन का टैग लगा हुआ है और साथ में एक इसमें अंदर टी भरी हुई है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, इसके अंदर टी है। इसको अपन अभी खोल कर भी देखेंगे, एक को मैं आपके लिए खोल कर दिखाऊंगा इसमें क्या होता है अंदर। तो चलिए मैं बॉयल पानी ले लेता हूँ पहले, बॉयल पानी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा ही कप बॉयल पानी लें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि अपन इसको इसमें बॉयल पानी सिर्फ इतना ही बहुत होता है एक टी बैग्स के हिसाब से। तब इसको अपन को इसमें डिप करना है। चलिए मैं इनको साइड कर देता हूँ पहले। अब इसको अपन को इसमें डिप करना है, देखते हैं इसको डिप करने से इसमें क्या होता है। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं अपन। चलिए देखते हैं इसमें 2 मिनट बाद क्या होता है, जब तक आप अपने वेट करते हैं कुछ 2 मिनट के लिए। तो हेलो गाइस, तो 2 मिनट्स पूरे हो गए हैं। तो देख रहा हूँ आप मतलब इसमें जो मैंने पानी लिया था उसका कलर पूरा टोटली चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं उसको। ये अपन इसको डायरेक्ट भी पी सकते हैं, तो इसको कैसे पीना है क्या पीना है वो आगे अपन देखते हैं। इसको मतलब अभी इसका पहले अपन अनबॉक्सिंग कर दें क्या वो निकलता है क्या। ये देखिए आप, पानी इसका पूरा मतलब कलर चेंज हो गया है। तो आप जैसे इसका कलर चेंज हो जाए इतना 2 मिनट्स बाद, तो अब इस बैग को निकाल के डिस्पोज कर दीजिए। इसको अपन साइड में रखते हैं अभी और उसके बाद इस ग्रीन टी को पी सकते हैं। और अन्यथा आपको अगर इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसमें एक चम्मच शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, शहद भी हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो मैं यूज़ करता हूँ डाबर का हनी, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब ट्रस्टेड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इसमें मैं इसको एक चम्मच में मिक्स करूँगा, या आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर लीजिए।
ग्रीन टी पीने में थोड़ी मतलब टेस्ट नहीं रहता है। अगर आपको टेस्ट चाहिए है थोड़ा मीठा मीठा तो आप शायद इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी के साथ साथ ये भी फैट लॉस करने में बहुत ही लाभदायक होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मैं साइड कर देता हूँ। इसको जैसे ही आप अच्छे से मिक्स करते रहिए, क्योंकि शहद को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे ही अगर शहद घुल जाती है तो इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि ग्रीन टी तो मतलब उसमें टेस्ट नहीं रहता ज़्यादातर ग्रीन टी में। आप इसको शहद मिलाकर यूज़ करिए तो उससे आपको मतलब अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए शहद पूरी अच्छी तरीके से घुल गई है। तो अब अपन ये बनेंगे अपने पीने के लिए, ग्रीन टी रेडी है तो आप इसको पी सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, क्योंकि इसमें अपन ने शहद का यूज़ किया था तो उसमें शहद के कारण थोड़ा मीठापन भी आ गया है। चलिए तो अपन अब इसके देखते हैं फ़ायदे क्या क्या हैं ग्रीन टी पीने के, कब कब ग्रीन टी पीनी चाहिए और क्यों पीनी चाहिए और इससे क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। तो चलिए मैं सब प्रोडक्ट को साइड करता हूँ, फिर उसके बाद अपन जानते हैं ग्रीन टी पीने के फ़ायदे। सबसे पहले तो ग्रीन टी के फ़ायदा होता है कि ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा मतलब सहायक होती है, कि जिसको मतलब लोगों को वेट लॉस करना हो तो ग्रीन टी का मतलब सेवन कर सकते हैं। तो आप ग्रीन टी को मतलब कि दिन में 2 से 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर एंड शाम को। आप इसको सोते समय ना लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है जिससे आपको सोने में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी। तो आप इसको लंच के बाद ले लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए। आप इसको खाली पेट बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि खाली पेट नहीं लेना है, मतलब थोड़ा सही रहता है। तो इसको आप कुछ भी ऊपर से खा लीजिए, उसके ऊपर आप ग्रीन टी ले लीजिए। और सबसे ज़्यादा तो ये होती है फैट लॉस के लिए, तो फैट लॉस में ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है, आप इसको ले सकते हैं। और सेकंड चीज़ है ग्रीन टी पीने का फ़ायदा ये है हमारा कि आप इसको मतलब स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। आपको बहुत आलसपन आ रहा है, लेजीनेस आ रहा है तो आप ग्रीन टी पीजिए, इससे आपका मतलब मूड भी अच्छा होगा और फ्रेशनेस आएगी। इसलिए ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मस्तिष्क को होता है हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप इसको मतलब अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके सर में पेन हो रहा है तो आप इसको एक बार ज़रूर पी के देखिए। आप इसको दोपहर में, सुबह शाम कभी भी ले सकते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। ग्रीन टी का तीसरा फ़ायदा है कि मुँह के संक्रमण से बचाता है। मुँह में होने वाले संक्रमण जो होते हैं ग्रीन टी पीने से आपको संक्रमण नहीं होंगे, क्योंकि ग्रीन टी में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारे मतलब मुँह के संक्रमण से बचाव करते हैं। और ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है मतलब हार्ट रोग हो गया, किडनी रोग हो गया, इन सब चीज़ों से मतलब कैंसर हो गया, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब इन सब चीज़ों को होने से बचाव करता है। अगर आपको किसी प्रकार का कैंसर है या कैंसर की शिकायत है तो आप ग्रीन टी का सेवन कीजिए। ग्रीन टी के सेवन से आपको मतलब किसी प्रकार के कैंसर से बचाव होता है, एंड आपको स्वास्थ्य मतलब हार्ट अटैक वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं सारी इससे कम होती हैं। ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, तो आप इसका एक मतलब यूज़ ज़रूर करें। ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये नेचुरल बनाई गई है, पत्तों के मतलब नेचुरल पत्तों को गर्म करके मतलब उन पत्तों को छोटे टुकड़े करके ग्रीन टी बनाई जाती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्रीन टी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। मतलब शरीर में जो रोग मतलब क्षमता होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको ग्रीन टी मतलब की बढ़ा देती है, जिससे अगर हमें किसी प्रकार का मतलब रोग होता है तो उससे लड़ने में हमें सहायता मिलती है ग्रीन टी के कारण। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्योंकि बढ़ जाती है। और भाई सबसे इसकी ग्रीन टी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे आप पीने से आपकी उम्र लंबी होगी। जी हाँ, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र लंबी ऐसी होगी, मतलब आप जल्दी मतलब आपकी जो त्वचा है ना, त्वचा तो वो मतलब सिकुड़ने से बचेगी। ग्रीन टी से सबसे मेन फ़ायदा यही होता है कि आपकी ये त्वचा और बालों के लिए भी बहुत लाभदायक होती है, तो ये आपकी त्वचा को बहुत निखार देती है। इसका सबसे ज़्यादा यही उम्र है कि आपकी मतलब आपकी एज ज़्यादा होगी पर आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे, आपकी एज कम ही लगेगी। और बालों के लिए तो ग्रीन टी हमारी है ही लाभदायक, क्योंकि ये बालों में बहुत सारी मतलब की जो भी ज़रूरत चीज़ें होती हैं, ये ग्रीन टी पीने से हमारे बाल मतलब साइन चमकीले दिखते हैं और बालों में रूसी वगैरह नहीं होती है। तो आप ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करें, ग्रीन टी बहुत ही लाभदायक चीज़ होती है। और तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको दिखा
दिखाता हूँ पैकेट खोल के इसके अंदर ग्रीन टी कैसी निकलती है। ये बहुत पत्ते छोटे छोटे बारीक कड़ों में टूटे हुए पत्ते होते हैं लीव्स के, तो आप लोग को देखिए ये पैक्स के अंदर भरे होते हैं जो कि इसी को ग्रीन टी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही हरे भरे होते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।